नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने धरना स्थल से शहर के वृंदावन गार्डन तक पीपीई किट पहनकर रैली निकाली। वृंदावन गार्डन पहुंचकर स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ल को अपनी मांगों का ज्ञापन दिया। राजेंद्र शुक्ल ने कहा, मैं भोपाल जाकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस बारे में बात करूंगा। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने पीपीई किट पहनकर कलेक्ट्रेट परिसर धरना स्थल से वृंदावन गार्डन तक निकाली रैली। रीवा विधायक को सौंपा ज्ञापन, नियमितीकरण की मांग की। हम आपको बता दें, रीवा के वृंदावन गार्डन में भारतीय जनता पार्टी का एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा था, जिसके चलते जिले के सभी विधायक सांसद सहित भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि मौजूद थे। अपना ध्यान, अपने आंदोलन का ध्यान आकर्षित करने के लिए संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने तय किया धरना स्थल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम स्थल तक रैली निकालेंगे। बकायदा कोरोना वायरस संक्रमण से बचने वाली पीपीई किट पहन रखी थी उन्होंने। आइए आपको सुनाते हैं स्वास्थ्य कर्मियों के आंदोलन को लेकर स्वास्थ्य कर्मी संगठन और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल का क्या कुछ कहना था, आप भी सुनिए। दिया हुआ है वो नियमित करने की बात कर रहे हैं, तो ये बात ऊपर हम पहुंचाएंगे और क्या बेहतर हो सकता है इसकी चर्चा करेंगे। सर, उन्होंने कोरोना काल में उस समय काम किया, उनका ये कहना है कि हमने पांडवगढ़ किया है, क्या काफ़ी दिन से धरने में बैठे थे, क्या मतलब आगे उनका प्रोसेस होते हैं? उनकी मांगें तो स्पष्ट हैं, आपको जैसा आप बता रहे हैं। अब उनका उनकी मदद कैसे हो पाएगी, ये जब तक हम ऊपर सक्षम लोगों से बात नहीं कर लेते तब तक अभी हमारा कुछ कहना संभव नहीं। सर, 4 वर्ष पहले मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि संविदा नीति अच्छी नहीं है, हम संविदा पसंद नहीं करते, सबको रेगुलर होना चाहिए। क्या मुख्यमंत्री महोदय इस तरह के संविदा वाले अपने बयान पर कायम रहेंगे और इनको न्याय देंगे? अब उन्होंने क्या कहा था, जब तक उनसे चर्चा नहीं होगी तो समझ में नहीं आएगा। इनकी ज़रूरत और इनकी मांगे हमने समझ ली है, वहाँ जब चर्चा होगी तब वास्तव में फिर मैं आपको बता पाऊँगा कि क्या रास्ता बन रहा है, क्या तरीका निकाला जा रहा है, कैसे मदद हो पाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्वास्थ्य कर्मचारी के नाते, संविदा कर्मचारी के नाते इन लोगों ने अपना योगदान दिया हुआ है, लेकिन कुछ प्रशासकीय और तकनीकी बातें होती हैं जिसके अंतर्गत भर्ती नियम होते हैं, नियमितीकरण के नियम और कायदे होते हैं, तो उसमें कहाँ ये फिट हो पाएंगे ये संबंधित विभाग के लोग ही बता पाएंगे, अभी मेरी उनसे कोई चर्चा नहीं हुई। हमारा ये अनिश्चितकालीन 12वें दिन का धरना है। हम मध्य प्रदेश सरकार से यहाँ पर 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मी जो प्रदेश स्तर पर कार्यरत हैं उनके नियमितकरण की मांग के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आज यह आंदोलन 12वां दिन है। 12वें दिन के आंदोलन पे आज हमको पता चला कि हमारे पूर्व मंत्री और रीवा के यशस्वी विधायक आदरणीय राजेंद्र शुक्ल जी का भी आगमन हो रहा है। हम सब आज उनको अपने वेशभूषा में आके उन्हें अपना ज्ञापन देंगे और उनकी सरकार है, उनकी सरकार से नियमितीकरण के लिए अनुरोध कर रहे हैं। हम लोग तकरीबन 20 वर्षों से लगातार स्वास्थ्य की सेवा दे रहे हैं, यहीं सरकार ने शिक्षा विभाग में नीति लागू करके उन्हें रेगुलर किया और अपने आप के जन अभियान परिषद में नीति बना के उनको नियमित किया गया, लेकिन स्वास्थ्य जैसी एक बहुत महत्वपूर्ण सेवा है, वहाँ से 20-20 वर्षों से हमारे संविदा स्वास्थ्यकर्मी काम कर रहे हैं। यहाँ जब कोरोना आया था तो लोगों ने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, जब लोग अपने माता पिता की छूने को तैयार नहीं थे तब हम ही कर्मचारी जो थे तो उनकी सेवा कर रहे थे, उनके प्राणों को बचाने का काम कर रहे थे, और हमारे साथ आज तक सरकार जो है तो छलावा ही करती गई है। ताज़ातरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।